हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीएससी में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि हमें मंडे के दिन स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला। 7.26% का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ 480.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाले या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका वेनसडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे मंडे के क्लोजिंग बेसिस पे वेनसडे को हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हाई वॉल्यूम हमें आज के दिन जो देखने मिल रहा है यानी कि मंडे के दिन। यहाँ पे मीडियम साइज की एक जो है कैंडल बनी है, कैंडल की बॉडी बनी, ऊपर के साइड में थोड़ी सी छोटी और नीचे के साइड में बारीक से वीक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की 50 to 51 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रल सा हमें इशारा दे रहा है आरएसआई, जो हमें यहाँ पे दोनों साइड का इसलिए इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन जरूर स्टॉक में नेगेटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउनसाइड जो 474 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए तो स्टॉक में डाउनफॉल जो 466 तक इजिली आते हुए देखने मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको जो है बता देता हूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो स्टॉक कभी भी आपको जो है 501 के ऊपर जो दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहां पे बाइंग करें, वहां से आपको 5 to 10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10 to 15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो करंट प्राइस जो है मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे, स्टॉक कभी भी आपको जो है 404 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहां पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेवल है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूँ आप अपना यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% तक का आप कैपिटल डालें, बाकी का यहाँ पे कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको जो है उसके बाद जो है 10 to 20% का देखने तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका कम होगा लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही बढ़िया प्रॉफिट जो आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं हमें क्या देखने मिलने वाला है वेनसडे के दिन। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे क्योंकि स्टॉक का हम जो पहली बार एनालाइज करें तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जब मार्क करने पड़ेंगे। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जिस तरह से जो है यहाँ पे हम मार्किंग्स कर रहे हैं आप जरूर जो हमारे जैसे हमारा ये मार्किंग्स कम्प्लीट हो जाए आप हमारे इस वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग भी जो कंप्लीट होने है, कैंडलशिप पैटर्न का हमने प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे जरूर आई बटन में डाला है, उसको आप जरूर देख ले ताकि यहाँ पे आपको अपसाइड और डाउनसाइड मूव के लिए कब यहाँ पे जो ट्रेड लेना है, कौन से कैंडलशिप पैटर्न को जो है बुलिश और बेरिश रहता है, हर एक चीज हमने आपको समझाई है। छोटे छोटे वीडियो, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे हमारी मार्किंग्स हो चुकी है, आप चाहे तो हमारे वीडियो को पॉज करके जरूर जो है अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। अब मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की, क्लोजिंग यहाँ पे 480.90 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 478.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 481.60 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते जो अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है।
तो जरूर जब उस वीडियो को देख ले। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रीजन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रीजन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 476.45 का, उसके बाद क्या 471.15 का। यहाँ पे डायरेक्ट रीजन के बाद का अगला रीजन आता है 485 का, उसके बाद क्या 488.45 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रीजन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का यानी कि वेनेसडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में मंडे के क्लोजिंग के बेसिस वेनेसडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूरी नेगेटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड। यहाँ पे 476.45 लेकर 478.55 के रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिले। बाकी यहाँ पे जो वॉल्यूम अगर बढ़ते रहा तो स्टॉक इस रेंज में भी आते हुए हमें देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेनेसडे के दिन। आपको क्या लगता है यहाँ पे मंडे के क्लोजिंग वैसे वेनेसडे को क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।